दोस्तों आपने ट्रेन में सफर तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ट्रेन कितना माइलेज देती है, यानी कि 1 किलोमीटर सफर तय करने में कितना डीजल लगता है, क्योंकि इतना भारी इंजन और बोगियों को खींचने में काफी जोर लगता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ट्रेन कितना माइलेज देती है। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारतीय रेल के इंजन में जो तेल की टंकी लगी होती है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, 5,000 लीटर, 5,500 लीटर और 6,000 लीटर। डीजल इंजन से चलने वाली 12 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो ये 6 लीटर में 1 किलोमीटर का माइलेज देती है, यानी कि 6 लीटर में 1 किलोमीटर चलती है। इसके अलावा अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन 12 डिब्बों के साथ यात्रा करे तो उसकी माइलेज 4.5 लीटर प्रति किलोमीटर हो जाती है, यानी कि 4.5 लीटर में ही 1 किलोमीटर का माइलेज तय कर देती है। अब आप कहोगे कि एक्सप्रेस ज्यादा माइलेज क्यों देती है, तो मैं आपको बता दूं कि पैसेंजर ट्रेन हर प्लेटफॉर्म पर रुक रुक कर चलती है, जिससे कि बार बार एक्सीलेटर और ब्रेक का यूज करना होता है।